सो देखिए सबसे पहले चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए क्या होता है इससे प्रीवियस वीडियो में डीएनए के बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूं सो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि आखिर डीएनए होता क्या है एंड जिन्हें पता है डीएनए के बारे में डिटेल में तो हम आगे बढ़ते हैं और देखें जाने कि डीएनए क्या होता है तो देखिए डीएनए क्या है डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है डीएनए क्या है डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है राइट अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो डीएनए जो होता है इट पैक्ड विथ प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन डीएनए क्या होता है डीएनए पैक्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ अगर मैं बात कर रही हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए की तो डीएनए कैसे पैक होता है तो डीएनए किसके साथ पैक होता है पहले हमें यह पता होना चाहिए डीएनए किसके साथ पैक होता है डीएनए पैक्ड होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन डीएनए मैंने बोला डीएनए क्या है एसिडिक है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो होता है बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए कैसा होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है डीएनए एसिडिक होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बेसिक होता है जब डीएनए पैक्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब डीएनए पैक्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ तो ये क्या बनाता है ये बनाता है क्रोमेटीन फाइबर जब डीएनए पैक्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ तो वो क्या बनाता है क्रोमेटिन फाइबर एंड दैट क्रोमेटिन फाइबर मेक क्रोमोजोम तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोजोम कैसे बन रहा है जब तक क्रोमेटिन नहीं बनेगा तब तक क्रोमोजोम नहीं बनेगा और जब तक डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन एक साथ पैक्ड नहीं होंगे तब तक क्रोमेटिन नहीं बनेगा सो so, आज के टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कि आखिर कैसे डीएनए पैक्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है और कैसे डीएनए पैक्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ सो लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए आखिर हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसा होता है एसिडिक होता है हिस्टोन प्रोटीन की बेसिकली फाइव क्लासेस हैं जिन्हें क्या जी, जो क्या क्या है एच वन एच टू एच टू बी एच थ्री एन एच फोर सो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन की कितनी क्लासेस है? हैं फाइव क्लासेस हैं जिन्हें डिजाइन कैसे किया गया है एच वन एच टू एच बी एच थ्री एंड एच फोर ये क्या है बेसिकली स्मॉल स्मॉल प्रोटीन है एंड ये क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एट फिजियोलॉजिकल पीएच, स्मॉल स्मॉल प्रोटीन क्या होते हैं स्मॉल स्मॉल प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं स्मॉल स्मॉल प्रोटीन क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एट फिजियोलॉजिक पीएच। सो हिस्टोन प्रोटीन की बेसिकली फाइव क्लासेस है एच वन एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर बेसिकली स्मॉल स्मॉल प्रोटीन जो है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कहां पर फिजियोलॉजिकल पीएच pH पर जिसका रिजल्ट क्या निकलता है जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हाई कंटेंट में लाइसिन एंड आर्जिनिन मिलता है क्या कहा मैंने ध्यान से सुनिए मैंने कहा स्मॉल स्मॉल प्रोटीन जो हैं ठीक है स्मॉल स्मॉल प्रोटीन क्या है पॉजिटिवली चार्ज हैं प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हैं कहाँ पर फिजियोलॉजिक फिजियोलॉजिक पीएच पे स्मॉल स्मॉल प्रोटीन स्मॉल स्मॉल प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है एट फिजियोलॉजिक पीएच पे जिसका रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हाई कंटेंट मिलता है बेसिकली लाइसिन का एंड आर्जिनिन का अगर आपसे पूछा है कि इसमें हाई कंटेंट लाइसिन और आर्जिनिन का कैसे मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है वो जब स्मॉल स्मॉल प्रोटीन क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एट फिजियोलॉजिकल पीएच पे तो उसके रिजल्ट से क्या होता है उसके रिजल्ट से निकलता है हाई कंटेंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जीन सो आई होप आपको इतना पॉइंट अभी तक समझ में आ गया होगा अब देखिए Because ये, एक प्रोटीन्स क्या, है? ये प्रोटीन क्या है पॉजिटिवली चार्ज है राइट तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं ये फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड को ये क्या बनाते हैं आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ये आयनिक बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं हमने पढ़ा था डीएनए क्या है नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ क्या करते हैं आयनिक बॉन्ड बनाते हैं कौन स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं डीएनए के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या हो रहा है पहली चीज मैंने क्या बताई डीएनए जो होता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है बेसिकली सॉरी डीएनए क्या है नेगेटिवली चार्ज भी कह सकते हैं और ये क्या होता है एसिडिक होता है नेचर में हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो डीएनए पैक्ड होता है प्रोटीन के साथ और क्या बनाता है क्रोमेटीन फाइबर बनाता है जो आगे चल के क्या बनाते हैं क्रोमोजोम बनाते हैं फिर मैंने बात करी हिस्टोन प्रोटीन की हिस्टोन प्रोटीन में मैंने बताया बेसिकली इसकी फाइव क्लासेज है एच वन एच टू एंड ये स्मॉल स्मॉल पीसेस जो होते हैं प्रोटीन के वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच pH में जिसका रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ पे हाई कंटेंट मिलता है लाइसिन का एंड आर्जिनिन का दूसरी चीज मैंने क्या बताई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं डीएनए के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अब देखते हैं कि आखिर न्यूक्लियोजोम बनता के, बनता कैसे इतना तो हमें पता चल गया कि हिस्टोन प्रोटीन कैसा है और क्या है अब हम पढ़ते हैं बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोजोम न्यूक्लियोज़ोम का फॉर्मेशन अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोजोम के फॉर्मेशन की सो देखिए न्यूक्लियोजोम कैसे बन रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए डीएनए क्या है DNA, आ, आ, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो किसमें होता है में होता है, में होता है. हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होते हैं बेसिकली डीएनए पूरा का पूरा उसकी चारों तरफ आ, होता है ठीक है सो ये देखिए ये समझिए ये क्या है ये एक हिस्टोन प्रोटीन है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर ठीक है क्या होता है इसके चारों तरफ, होगा, इसके चारो तरफ क्या होगा बेसिकली इसके चारों तरफ डीएनए क्या होगा पूरा का पूरा लिपटा होगा कुछ इस तरीके से ये समझिए कि इसके चारों तरफ क्या है डीएनए क्या है पूरा का पूरा लिपट रखा है इससे कुछ इस तरीके से क्या होता है डीएनए इस पे क्या होता है लिपटा हुआ होता है और यहां पे होता है ये बेसिकली डी एन ए है जो रेड कलर से मैंने बनाया है एंड यहाँ पे होता है एच वन हिस्टोन अभी मैंने बताया था एच वन हिस्टोन के बारे में ये क्या है बेसिकली एच वन हिस्टोन जो है हिस्टोन की एक क्लास है बेसिकली एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है ये है हिस्टोन ऑक्टामर तो बेसिकली जो पैकेजिंग बेसिक यूनिट है डीएनए पैकेजिंग की वो क्या वो कैसे कंसिस्ट होती है बेसिकली हिस्टो एट हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उनके चारों तरफ क्या होगा डीएनए कोर हुआ रहता है ठीक है उनके चारों तरफ क्या होगा बेसिकली डीएनए होगा पे क्या होगा बेसिकली आप ये समझिए जैसे एक ऊन का गुल्ला होता है ना तो वो क्या होता है आपने देखा होगा जिस तरीके से वो लिपटा हुआ होता है उसी तरीके से बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होते हैं डीएनए क्या होता है पूरा उस पर लिपटा हुआ होता है so, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं इसी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोजोन न्यूक्लियो किसे कहते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे डीएनए भी दिख रहा है ठीक है ये क्या है ये है डीएनए एंड साथ में क्या है हिस्टोन प्रोटीन तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहूँगी न्यूक्लियो अगर मैं हिस्टोन ऑक्टामर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो हिस्टोन ऑक्टामर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ये है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हिस्टोन ऑक्टामर का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैंने क्या कहा था हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ठीक है ठीके? ये वाला हम इसमें काउंट नहीं करते हैं ये है H1 वन एच हिस्टोन ठीक है और बाकी ये सारे के सारे क्या है एट हिस्टोन प्रोटीन है जैसे कि मैं अगर एक ही स्टोन प्रोटीन की बात करूँ तो यहां पे क्या आएगा एच टू ए इसी में आएगा एच टू बी एच थ्री एच फोर सो बेसिकली न्यूक्लियोजोम क्या है न्यूक्लियोजोम कैसे बनेगा जो हिस्टोन प्रोटीन होगा उसके चारों तरफ क्या होगा डीएनए क्या होगा पूरा का पूरा उसके अराउंड होगा और उसी को हम क्या कहेंगे न्यूक्लियो एट हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होगा डीएनए का सीक्वेंस जो होगा वो कोर हुआ होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियो सो अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियो क्या है सो so न्यूक्लियो क्या है न्यूक्लियो आर ज्वाइंट बाई लिंकर डी एन जो होते हैं बेसिकली वो जॉइंड होते हैं लिंकर डीएनए से अभी मैंने आपको ये तो बता दिया न्यूक्लियोसोम होते क्या हैं न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं ये बेसिकली एक हिस्टोन प्रोटीन है इसके चारों तरफ क्या होगा डीएनए कोर हुआ रहता है और इसी को हम क्या कह रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन सॉरी इसको हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं अब ये जो तो न्यूक्लियोसोम होता है ये क्या होता है जॉइंट होता है लिंक कर से न्यूक्लियोजोम जॉइंट होता है लिंकर डीएनए से अब ये लिंकर डीएनए क्या है देखिए ये एक न्यूक्लियोजोम है समझिए ये एक न्यूक्लियोजोम है ओके इस पे क्या लगा हुआ है इस पे क्या लगा हुआ है डीएनए लगा हुआ है इस तरीके से इस पे क्या लगा है डीएनए लगा हुआ है या फिर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बनाती हूं इस पे क्या लगा हुआ है इस पे इस तरीके से डीएनए के चारों तरफ से है ये वाला इस दोन ये दोनों क्या है न्यूक्लियोजोम है अब एक न्यूक्लियोजोम दूसरे न्यूक्लियोजोम से जुड़ रहा है राइट तो इसको हम बीच इसको हम क्या कहते हैं ये क्या है ये तो एच है ठीक है और इस पूरे स्ट इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए इसे हम क्या कहते हैं लिंकर डीएनए सो so, न्यूक्लियोज़ोम जो होते हैं न्यूक्लियोजोम जॉइंट किससे होते हैं न्यूक्लियोजोम जॉइंट होते हैं बाय लिंकर डीएनए एक न्यूक्लियोजोम को दूसरे लिंक् से जोड़ता है लिंकर डीएनए जोड़ता है एंड ये जो डी लिंकर डीएनए होता है बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी बेस पेयर का होता है लिंकर डीएनए अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी बेस पेयर लॉन्ग होता है तो एक न्यूक्लियोजोम को दूसरे न्यूक्लियोजोम से कौन जोड़ रहा है लिंकर डीएनए एंड ये फिफ्टी बेस पेयर लॉन्ग होता है अब देखिए जो मैंने बात की थी हिस्टोन एच वन आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो हिस्टोन एच वन है ये कभी भी न्यूक्लियोजोम में नहीं पाया जाता है एच वन हिस्टोन कभी भी अगर मैंने अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर न्यूक्लियोजोम में मैंने एच वन नहीं बनाया था तो आपको ये चीज़ याद रखनी है एच वन हिस्टोन जो है वो कभी भी न्यूक्लियोजोम कोर पर नहीं पाया जाएगा बट ये अभी आपने स्ट्रक्चर मैंने जब बनाया था एक न्यूक्लियोजोम को जब दूसरा जोड़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे दिखाया था ये कहाँ पर था लिंकर डीएनए की चेन में क्या पाया जाता है ये एच वन प्रोटीन पाया जाता है ठीक है तो ये याद रखेगा एच वन जो है एच वन हिस्टोन जो है वो न्यूक्लियो नुकलिय, न्यूक्लियो के बीच में जो लिंकर डी एन ए ठीक है लिंक डीएनए में क्या पाया जाता है यहीं पर क्या पाया जाएगा एच वन प्रो हिस्टोन भी पाया जाएगा एच वन हिस्टोन कभी भी न्यूक्लियोजोम में नहीं होता है आपको यह बात याद रखनी है आप देखिए न्यूक्लियोजोम क्या होगा पैक्ड होगा ठीक है टाइटली पैक्ड होगा और क्या फो करेगा पॉली न्यूक्लियोसोम बनाएगा पॉली न्यूक्लियोसोम का मतलब इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस क्या है एक दूसरे से जुड़ेंगे इसी को हम क्या कह रहे हैं इसी को हम कह रहे हैं पॉली मतलब कि एक न्यूक्लियोजोम की एक पूरी की पूरी चैन को हम क्या कह रहे हैं पॉली न्यूक्लियोजोम तो न्यूक्लियोजोम क्या करते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं होते हैं और क्या बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोजोम बनाते हैं न्यूक्लियोजोम मैं बता चुकी हूँ कैसे बनेगा कैसे बनेगा न्यूक्लियोजोम डी एन एंड हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं बेसिकली हिस्टोन आ, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एट हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है डी के पूरा का पूरा क्या हो जाता है उसके चारों तरफ आ जाता है एंड देन उस स्ट्रक्चर को मैंने कहा था न्यूक्लियोसोम एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कौन जोड़ रहा है लिंकर डीएनए जोड़ रहा है जो कि कितना होता है फिफ्टी पेयर का होता है बस आपको ये याद रखना है सारे के सारे ए, मैंने जैसे हिस्टोन प्रोटीन के फाइव क्लासेस बताई थी वो तो आ, आपको फोर क्लासेस तो आपको कहाँ पे मिलेगी और हिस्टोन ऑक्टामर में ही मिलेगी लेकिन जो एच वन हिस्टोन होता है वो कहाँ पे मिलेगा आपको लिंकर डीएनए के यहाँ पे मिलेगा अब देखिए जो न्यूक्लियोसोम होता है ये 200 हंड्रेड बेस पेयर ऑफ डी एन को कंटेन करता है ये आपको याद रखना है 200 हंड्रेड बेस पेयर ऑफ डी एन हेलिक्स को ये क्या करता है कंटेन करता है हेलिक्स का मतलब भी मैंने बताया था आपको इससे पिछली वीडियो में कि हेलिक्स का मतलब क्या होता है हेलिक्स का मतलब क्या होता है हेलिक्स का मतलब होता है एनीथिंग विच इज फोल्डेड ठीक है सो so, जो टिपिकल न्यूक्लियोजोम होता है वो टू हंड्रेड बेस पेयर डीएनए हेलेक्स को कंटेन करता है सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आ, बेसिकली डीएनए की पैकेजिंग हो रही है कैसे पॉली बन रहा है अब मैं बात करूं क्रोमेटिन पैकेजिंग की सो देखिए हाँ एक चीज और जो स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये कैसा होता है कॉइल्ड लाइक हो जाता है ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है आगे चल के क्या हो जाता है कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है अब देखिए अगर मैं बात करूं क्रोमेटिन पैकेजिंग की अभी तक हमने देख लिया है किस तरीके से न्यूक्लियोजोम बना अब बात करते हैं क्रोमेटिन पैकेजिंग की सो क्रोमेटिन पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये होती है दो तरीके की क्रोमेटिन पैकेजिंग आपको क्या मिलेगी दो टाइप की मिलेगी यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन सो आपको क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग है वो दो तरीके की होंगी यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है ट्रू एंड हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट ये चीज आपने याद रखनी है कि यू का मतलब क्या होता है हेटरो का क्योंकि ये वर्ड बार बार आपको सुनाए जैसे कि यू कैरी ऑट तो आपको पता होना चाहिए कि यू का मतलब क्या होता है यू का मतलब क्या होता है ट्रू कैरी ऑट का मतलब होता है न्यूक्लियस तो इस वर्ड को आप याद रखिए हेटेरो एंड होमो हेटेरो का मतलब डिफरेंट होमो का मतलब सेम तो यू का मतलब है ट्रू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब है डिफरेंट क्रोमेटिन अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूं इसमें जो यू क्रोमैटीन हो वो लूजली पैक पैक्ड होता है यू क्रोमैटीन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है ठीक है में क्या होगा लूजली पैक्ड डीएनए रीजन होगा जो कि अलाउ करता है ट्रांसक्रिप्शन को यू जो होता है लूजली पैक्ड डीएनए रीजन होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करता है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप जानते हैं डीएनए से आर एन ए बनना ठीक है तो डीएनए से आरएनए कब बनेगा जब वो क्या होंगे लूजली पैक्ड होंगे। अगर मैं बात करूं हेटेरोक्रोमेटिन का हेटेरोक्रोमेटीन जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड डीएनए रीजन होता है यहां पे। हेटेरोक्रोमेटीन में क्या होगा टाइटली पैक्ड डीएनए रीजन होगा यहां पे आपको क्या मिलेगा टाइटली पैक्ड डीएनए रीजन मिलेगा तो यहाँ पे बहुत कम ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब डीएनए से आरएनए बनना बहुत कम होगा या तो तो आपको ये याद रखना है यूक्रोमेटिन जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं मतलब जो डीएनए का रीजन होता है यूक्रोमेटिन में वो लूजली पैक्ड होता है और हेट्रोक्रोमेटीन में टाइटली पैक्ड होते हैं लूजली पैक्ड होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो जाती है और न, मतलब कि मैं कहूँ ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ कर देता है ट्रांसक्रिप्शन होती है लेकिन हेट्रोक्रोमेटीन में क्या है टाइटली डी एन ए जो डी एन ए का जो रीज़न होता है वो टाइटली पैक्ड होने से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन बहुत कम हो पाती है सो so, ये है बेसिकली पैकेजिंग ऑफ डीएनए अब देखिए अब किस तरीके से पैकेजिंग हो रही है अब मैं कुछ ये स्ट्रक्चर बना रही हूं जो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से डीएनए पैक्ड हो रहा है अब देखिए पॉलीक्रोमेटिन की चेन क्या करेगी देखिए क्रोमेटिन क्या करेगा क्रोमेटिन अब जाएगा कर्ल होने ये बेसिकली पॉलीक्रोमेटिन है ठीक है पॉलीक्रोमेटिन क्या जाएंगे कर्ल होने जाएंगे कहाँ जाएंगे ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये है न्यू नुक, न्यूक्लियो प्लाज्मिट प्रोटीन न्यूक्लियो प्लाज्मिट प्रोटीन न्यूक्लियो प्लाज्मिट प्रोटीन ये न्यूक्लियो प्रोटीन को हम एम प्रोटीन भी कहते हैं तो होता क्या है देखिए क्रोमेटीन क्या करते हैं क्रोमेटीन कहाँ जाते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन में इस तरीके से जाते हैं इस तरीके से क्या जाएंगे ये इसमें जाएंगे और क्या हो जाएंगे इस पर जाके क्या हो जाएंगे कर्ल्ड हो जाएंगे एंड जब ये इससे बाहर निकलेंगे क्या हुआ पॉलीक्रोमेटिन जो थे ठीक है ये कहाँ आए बेसिकली न्यूक् न्यूक्लियो प्लाज्मिट पर आए और, क्या? और ये क्या हुए यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या हुए घूम गए अब ये क्रोमेटीन क्या हो गए हैं कर्ल हो गए ठीक है ये क्या हो गए कर्ल्ड हो गए ऑन न्यूक्लियो अब जब ये इससे बाहर आएंगे जब ये क्रोमैटीन इस न्यूक्लियो प्लाज्मिट से बाहर आएंगे ठीक है जब ये इस प्लाजमिट से बाहर आएंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा एक वर्डिंग मैंने थोड़ी सी गलत बोल दी आप ध्यान से सुनिएगा ये है न्यूक्लियो प्लाज्मिट प्रोट न्यूक्लियो प्लाज्मिट ठीक है न्यूक्लियो प्लाज्मिट प्रोटीन है ठीक है होगा क्या पॉली पोल पॉलीक्रोमेटिन आएंगे इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे इस न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्लाज्मिन में क्या हो जाएंगे कर्ल्ड हो जाएंगे जब ये इससे बाहर आएंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे ये प्लाज्मिड फॉर्म करेंगे ठीक है जो कि किसके साथ अटेस्ड होगा जो कि अटेस्ड होगा एनएचसी प्रोटीन के साथ एन एच सी प्रोटीन है यहाँ यहां पर होता है ये है एन एच सी प्रोटीन इट इज अ ये एन एच सी प्रोटीन कहाँ मिलेगा आपको क्रोमोजोम में मिलेगा अब होगा क्या सबसे पहली चीज़ क्या है पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो पॉली न्यूक्लियो सॉरी जो पॉलिक्रोमैटीन है पॉलिक्रोमेटीन का आएंगे किसके पास न्यूक्लियो प्लाज्मिट के पास न्यूक्लियो प्लाज्मिट में क्या होंगे ये कर्ल्ड होंगे और जब इसके बाहर आएंगे तो ये क्या आप फॉर्म करेंगे प्लाज्मिट फॉर्म करेंगे ठीक है ये इसके बाहर आए और क्या फॉर्म किया प्लाज्मिट फॉर्म किया जो कि अटैच्ड हो जाएंगे किसके साथ आप एच एन एच सी प्रोटीन के साथ आप देखिए ये क्या हो क्या हो हो जाएंगे जाएंगे इस प्रोटीन के साथ आप बेसिकली अटैच हो जाएंगे तो इस तरीके से देखिए क्रोमोसोम के अंदर डीएनए क्या हो चुका है अटैच हो चुका है इस तरीके से डीएनए की क्या हो चुकी है पैकेजिंग हुई कैसे आपने देख लिया कैसे पॉलिन कैसे, कैसे बना पॉलीन्यूक्लियोजोम ये क्या है पॉली न्यूक्लियोजोम पोलिन्यूक्लियोजोम भी नहीं कहूँ ये एक स्ट्रक्चर को मैं क्या कह रही हूँ पोली न्यूक्लियोजोम अब मैं पूरे इसके स्ट्रक्चर को क्या कह रही हूँ जो पूरी एक पॉली न्यूक्म की चेन ये पूरी चेन है पोली न्यूक्लियोजोम की इसको मैंने क्या कह दिया इसको मैंने कहा क्रोमेटीन पोली न्यूक्लियोजोम की चेन को मैंने क्या कहा क्रोमेटीन तो ये क्रोमेटीन क्या हुए ये आए कहाँ पर बेसिकली न्यूक् न्यूक्लियो प्लाजमिट पर आए और इस पर क्या हो गए कर्ल हो गए और जब ये इससे बाहर आए तो ये किस फॉर्म में आए बाहर ये आए प्लाजमिट की फॉर्म में बाहर एंड देन ये कहाँ गए ये गए क्रोमोसोम पे बेसिकली जो एन एच सी प्रोटीन है उसके साथ अटैच होने चले गए उसके साथ क्या हो गए अटैच हो गए तो इस तरीके से क्या होते हैं ये अटैच होते हैं सो आई होप आपको इतनी इतनी वीडियो समझ में आई हो कि आखिर ये कैसे हो रहा है और अगर आपको इस पा, आप समझ में आया होगा कि डी कैसे डीएनए की पैकेजिंग हो रही है सो तो ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा एंड आई होप आपको आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग